Hello everyone, now let's solve this problem related to stack data structure. And we have a stack and we have the numbers 1, 2, 3, 4, 5, 6. हमें इस नंबर को लेफ्ट टू राइट रीड करना है और स्टैक के अंदर पुश करना है और ये बताना है कि ये पर्टिकुलर सीक्वेंस पॉसिबल है कि नहीं, राइट अगर मैं पॉप ऑपरेशन करूँ तो देखिएगा काफी इजी क्वेश्चन है ये। इनपुट मेरे पास दिया हुआ है 1, 2, 3, 4, 5, 6 और जो आउटपुट है ये है मेरा फर्स्ट कंडीशन लेके चल रहा हूँ, फर्स्ट केस 3, 2, 5, 6, 4, 1 ठीक। मैंने स्टैक ड्रॉ किया ठीक। अब बताइएगा मुझे इनपुट में पहले पुश करता हूँ 1 राइट, नेक्स्ट टाइम हम पुश करूंगा 2 या अभी 1 पुश कर दिया। नाउ नेक्स्ट ऑपरेशन क्या होना चाहिए, क्या हो सकता है? या तो मैं 1 को पॉप करूं, या तो 1 को पॉप करूं, या तो 2 को पुश करूं। और अगर मैं 1 को पॉप करता हूं तो मेरा प्रिंट 1 आना चाहिए, बट यहां पे 3 आउटपुट के अकॉर्डिंग 3 चाहिए, तो हम यहां पे पॉप नहीं करेंगे, तो हम क्या करेंगे, यहां पे 2 को पुश किया। अगेन अब 2 पुश हो गया तो क्या कर सकते हैं, या तो मैं 2 को पॉप कराऊं या तो 3 को पुश करूं। तो अगर मैंने 2 को पॉप किया तो यहां पर तो 2 चाहिए नहीं, 3 चाहिए, तो अभी फिर हम पुश करेंगे, करेक्ट ना। अब क्या कर सकते हैं यहां किस पे, या तो मैं 4 को पुश करूं या तो 3 को पॉप करूं। यस, तो 3 को अगर मैं पॉप करता हूं तो यहां पे मैं 3 को पॉसिबल है पॉप कर सकता हूं। ये सारी प्रॉपर्टी हम फॉलो कर रहे हैं स्टैक की, तो हमने यहां पर पॉप कर दिया, यहां से हटा दिया। नाउ अब बताइएगा नेक्स्ट क्या हो सकता ऑपरेशन, या तो मैं 4 को पुश करूं या तो 2 को पॉप करूं, यस या नो? या तो मैं 4 को पुश करूं या तो 2 को पॉप करूं, तो यहां पे दिख रहा है 2 को पॉप करना चाहिए क्योंकि आउटपुट मुझे 2 दिख रहा है, तो 2 को हमने पॉप कर दिया। अब फिर बताइए यहां पे नेक्स्ट ऑपरेशन क्या हो सकता है, या तो मैं 1 को पॉप करूं या तो 4 को पुश करूं, तो 1 पॉप करेंगे नहीं क्योंकि सीक्वेंस में नहीं है, तो हमारे पास ऑप्शन क्या बचा, 4, तो हमने 4 को इधर पुश कर दिया, इसके अंदर रख लीजिए, समझ लीजिए 4 पुश कर दिया। नेक्स्ट अब बताइएगा क्या ऑप्शन है, या तो मैं 4 को पॉप करूं या तो 5 को पुश करूं, तो 4 को पॉप करूंगा नहीं क्योंकि यहां तो 4 दिख नहीं रहा है, तो हम 5 को पुश करेंगे, करेक्ट, ये भी हो गया। अब यहां पे नेक्स्ट ऑपरेशन क्या हो सकता है, या तो मैं 5 को पॉप करूं या तो 6 को पुश करूं, तो 5 को पॉप कर सकते हैं क्योंकि सीक्वेंस पूछ रहा है, मैच कर रहा हूं कि क्या ये प्रॉपर फॉलो कर रहा है कि नहीं, तो 5 को हम पॉप कर दिया हमने, ठीक ये पॉप हो गया। नेक्स्ट ऑपरेशन क्या हो सकता है, या तो मैं 4 को पॉप करूं 6 को पुश करूं, ये तो कर सकता हूं, तो 4 को पॉप नहीं कर सकता क्योंकि यहां पे 6 लिखा हुआ है, तो एक ऑप्शन बच रहा मेरा 6, तो 6 को मैंने पुश कर दिया। नाउ सारे एलिमेंट हमारे पुश हो चुके हैं, अब एक ही ऑप्शन बचता है सबको पॉप करना। अब पॉप किसको कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू द लास्ट इन फर्स्ट लिफो प्रॉपर्टी 6 को पॉप किया, यस, 4 को पॉप किया, यस, 1 को पॉप किया, यस, इट मींस ये सीक्वेंस फॉलो कर रहा है, करेक्ट। अच्छा स्टेप्स में कैसे लिखेंगे, अगर आप स्टेप्स अगर लिखना पड़ जाए तो कैसे लिख सकते हैं, सबसे पहले क्या किया था हमने, इधर देखिएगा हमने यह स्टैक लिया था, 1 पुश किया था, यस 1 पुश किया था, यहां पे हमने एस लिया, यहां पे एस 1 पुश किया, फिर 2 को पुश किया, यहां पे एस 2 लिख दिया, स्टेप नंबर 2, और हमने 3 को भी पुश किया था, स्टेप नंबर 3 पुश कर दिया। नाउ अब क्या करना है, इसके अंदर क्या किया था, 3 को पॉप किया था ना, तो यहां पे एक्स ऑपरेशन मींस या एक्स दिया हुआ ना, एक्स को पॉप किया, पॉप ऑपरेशन यानी हट गया। नाउ 2 भी चाहिए तो 2 को भी पॉप किया, अगेन एक्स ऑपरेशन। नाउ अब क्या करेंगे इसको, फिर हमने 4 को पुश किया था ना, तो 4 को पुश कर दिया, ठीक, 5 को भी पुश किया था, ठीक, तो यानी कि एस 4 हो गया, एस 5 हो गया, यस या नो, एस 5। नाउ 5 को हम पॉप कर रहे हैं एक्स ऑपरेशन, 4 को पॉप कर रहे हैं, नहीं 4 नहीं होगा ना, 4 नहीं है, हाँ ये हटा दो, 5 ऑपरेशन। नाउ 6 हमने क्या किया था, यहां पर पुश किया था, यानी कि S6 ऑपरेशन, 5 को पॉप कर दिया था, यहां पे 5 को पॉप कर दिया, पॉप हो गया था ना। नाउ S6 ऑपरेशन, 6 पुश हो गया। नाउ X ऑपरेशन यानी 6 और बाहर आया,
फिर एक्स ऑपरेशन, फोर सिक्स यही था ना, यही सिक्स लिखा था, सॉरी यही सिक्स था, देख लीजिए सिक्स फोर ऑपरेशन और फिर ये वन के लिए एक्स ऑपरेशन। तो ये हमारे सारे स्टेप्स हो गए। अगर मैं स्टेप्स की बात करूं तो ऐसे आप लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट, अब इसको देखता हूं क्या ये परमुटेशन पॉसिबल है कि नहीं है, एक बार चेक करते हैं इसको। वैसे आप भी ऐसे लिख लीजिए। नेक्स्ट इसमें क्या है इसका भी देखते हैं। हमारे पास इनपुट क्या है, इनपुट है वन टू थ्री फोर फाइव, इनपुट है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, और आउटपुट है, ये आउटपुट क्या है वन फाइव फोर सिक्स टू थ्री, राइट। अच्छा इनपुट को वन को पुश किया, अब इस केस पे क्या कर सकता हूं, या तो मैं टू को पुश करूं या तो वन को पॉप करूं। यस वन को पॉप कर सकते हैं क्योंकि सीक्वेंस में बोल रहे हैं, हमने वन को पॉप कर दिया, यहां से हट गया। नाउ अब क्या ऑप्शन बताइएगा ध्यान से, अब तो एक ही ऑप्शन बचा, टू को पुश करना पड़ेगा, हमने टू को पुश किया, राइट। अच्छा अब यहां पे टू को पुश करूं या तो थ्री को, टू को पॉप करूं या तो थ्री को पुश करूं, तो टू को पॉप करने से कोई फायदा है नहीं क्योंकि सिक्वेंस ये दिख नहीं रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहां पे थ्री को पुश कर दिया, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट अब क्या कर सकता हूं, या तो फोर को पुश करूं या तो थ्री को पॉप करूं, ठीक है टू तो पॉप नहीं हो पाएगा, थ्री को पॉप करूं या तो फोर को पुश करूं, तो थ्री को पॉप करेंगे नहीं क्योंकि यहां फाइव दिख रहा है। तो एक बार ट्राई करता हूं मैं फोर को पुश करके, थ्री फोर पुश हो गया। नेक्स्ट ऑपरेशन क्या हो सकता है, या तो मैं फाइव को पुश करूं, फाइव को पुश करूं या टू या फोर को पॉप करूं, तो फोर को पॉप कराएंगे नहीं क्योंकि यहां तो फाइव रखा हुआ है, तो एक ऑप्शन बचा फाइव को पुश किया। अब बताइएगा क्या ऑप्शन है, या तो इस टॉप पे क्या कर सकता हूं, या तो मैं सिक्स को पुश करूं या तो फाइव को पॉप करूं। यस फाइव को पॉप करके देखता हूं एक बार, हमने फाइव को पॉप कर लिया। नाउ नेक्स्ट ऑपरेशन क्या हो सकता है, या तो मैं सिक्स जो बचा हुआ था सिक्स को पुश करूं या फोर को पॉप करूं। यस फोर चाहिए मुझे, फोर को मैंने पॉप कर दिया, करेक्ट। नाउ नेक्स्ट ऑपरेशन क्या होना चाहिए, या तो मैं सिक्स को पुश करूं या तो थ्री को पॉप करूं, तो थ्री को पॉप नहीं करेंगे, सिक्स को पुश करता हूं, एक ऑप्शन ही बचा। अच्छा सारे एलिमेंट हमारे इंसर्ट पुश हो चुके हैं, अब क्या ऑप्शन बचा, पॉप ऑपरेशन। तो सिक्स को पॉप कर सकता हूं, यस सिक्स को पॉप कर दिया, नो प्रॉब्लम। नाउ लिसन केयरफुली, यहां पर टू है और मेरे पास एक ही रास्ता बचा हुआ है, दैट इज पॉप पॉप ऑपरेशन। अकॉर्डिंग टू द स्टैक प्रॉपर्टी हमें क्या करेंगे, हमें ये थ्री को पॉप कराना होगा, लेकिन जैसे मैंने थ्री को, और कोई ऑप्शन बचा नहीं, इंसर्ट सारे हो चुके हैं, पॉप कराने के लिए जैसे मैंने थ्री को पॉप किया, थ्री पॉप होगा तो ये सीक्वेंस मैच नहीं करेगा किसी भी केस में, उसके बाद टू होगा, बट इस सीक्वेंस तो मैच नहीं किया, इसका मतलब दिस परमुटेशन इज नॉट पॉसिबल एंड फर्स्ट वन इज पॉसिबल। इफ एनी डाउट प्लीज राइट इन कमेंट सेक्शन।